हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पफ राइस लड्डू। उसके लिए मैंने लिया है 3 कप मुरी, 1 कप गुड़ और घी। जिस कप से हम लोग गुड़ लेंगे ना, वही कप से हम लोग मुरी भी लेंगे। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर दूंगी, इससे मुरी और क्रंची हो जाएगा। मैंने 1 चम्मच घी लिया हूँ। अभी मैं इसमें गुड़ को मिक्स कर दूंगी और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करते हुए गुड़ को पकाएंगे। और फ्रेंड्स, ये गुड़ हम लोग लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, नहीं तो ना गुड़ जल्दी ही जल जाता है। अभी हम एक बाउल में पानी लेंगे और गुड़ को चेक करेंगे। और ये गुड़ स्प्रेड नहीं हुआ है, ये जम गया है, तो हमारा गुड़ अभी पक गया है। तो हम लोग गैस को ऑफ कर लेंगे और ये गैस ऑफ करने के बाद ही हम मुरी को मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और ये जो मिक्सचर है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो जब भी हम लोग लड्डू बनाएंगे ना, हम लोगों को थोड़ा केयरफुल होना है। आप लोगों को लगे कि आपका हाथ ड्राई हो रहा है, तो हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और फिर लड्डू बनाना शुरू कीजिए। और आपको लगे कि ये मिक्सचर ज़्यादा ही गर्म है, तो आप 1 चम्मच के मदद से भी ये मिक्सचर को उठा के लड्डू बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।